6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. Let's go, Falcon, for number 10. हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार। और जो इलॉन मस्क का प्रोजेक्ट चल रहा है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट, उसके तहत जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, यह 10वीं बार सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। और रीयूजेबल रॉकेट जो है फाल्कन 9 है इलॉन मस्क के पास, उसने यह 10वीं बार उड़ान भरी है और सक्सेसफुल रहा है, यानी सैटेलाइट लॉन्च करके वह पुनः वापस आ गया। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। SpaceX launches 60 Starlink satellite in record 10th lift off and landing of reusable rocket. Reusable rocket के थ्रू SpaceX ने लॉन्च किया 60 Starlink satellite, और यह 10वीं उड़ान था जिसमें उसने खुद टेक ऑफ किया और खुद स्वतः लैंडिंग किया, यानी रीयूजेबल के रूप में यूज किया। तो 10वीं बार उड़ान सक्सेसफुल रहा फाल्कन 9 का एज ए रीयूजेबल रॉकेट के रूप में। SpaceX रीयूजेबल रॉकेट have now hit double digits, यानी 10 double digits इसने hit किया। उसके बाद देखते हैं SpaceX Falcon 9 rocket launched 60 Starlink internet satellite into orbit early Sunday 9 मई को, और इसने स्वतः लैंडिंग किया कहां पे, सी में कैप कमरिन के पास, और यह 10वीं बार फ्लाइट सक्सेसफुल रहा कंपनी का रीयूजेबल बूस्टर से। और देखा जाता है इट वॉज द कंपनीज 14th लॉन्च सो फार दिस ईयर, और इस साल जो है 2021 में SpaceX ने यह 14वीं बार सक्सेसफुल उड़ान भरी, और यह 5वीं बार जो उड़ान लास्ट 5वीं बार जो भरा है 5 सप्ताह के भीतर, यानी अंदर में ही भरा है, 5 सप्ताह से भी कम के अंदर में इसने 5वीं बार उड़ान भरा है। तो यह बहुत ही सक्सेसफुल मिशन होने जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रीयूजेबल रॉकेट जो है फाल्कन 9 का ये बूस्टर है, और ये आप देखते हैं बार बार ये जो है सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद ये स्वतः यहाँ पर लैंडिंग हो जाता है। तो SpaceX ने ऐसे बूस्टर और रॉकेट बना लिए हैं जो कि रीयूजेबल होगा, बार बार यानी कम खर्चे में सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाना आसान हो जाएगा। तो आपने देखा यह स्टारलिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसने सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, और यह जो है हम यहाँ पर बातें करेंगे स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में। इलॉन मस्क का एक प्रोजेक्ट है स्टारलिंक, जिसके थ्रू सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करना है पृथ्वी पर के सारे लोगों को। तो आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत 12,000 सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। तो स्टारलिंक के अंतर्गत जो SpaceX सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, तो अभी बहुत सैटेलाइट लॉन्च करना बाकी है, इसलिए उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट बनाया क्योंकि उसको बहुत सैटेलाइट लॉन्च करना है। तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आता है कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है, तो SpaceX का एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू दुनिया को स्पेस इंटरनेट प्रोवाइड करना है। तो अगर दुनिया पूरी तरह 12,000 सैटेलाइट अगर लॉन्च कर दिया जाएगा, तो अर्थ इस तरह से दिखेगा आपको, सैटेलाइट से घिरा जाल की तरह बिछा हुआ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।